पोजिशन विच अ लोअर पोजिशन विच अ लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक हाउसेस द सिटाडेल बिलो द सिटाडेल द हाउसेस फॉलो द ग्रेट सिस्टम वेयर द मेन स्ट्रीट intersected each other at right angles, dividing the city in large rectangular blocks. Yes. The cities had an impressive drainage system. Drainage system. The water from the houses followed into covered drains in the streets, which had manholes. Okay, very good. Very good. Excellent, beta. Now, next question. Chirag Torwal. Chirag Torwal. Unmute yourself, Chirag. Okay, Chirag is not responding. Jailesh Navlakha. मैम मैम क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा पूरा. क्वेश्चन कैसे दिखेगा बेटा, कहाँ ना. No, I am not asking question number 7th. मैं question बोल रही हूँ पहले. Name a few cities of Indus Valley civilization. चंद्रद्रोण, चाहुदारो, चंदुरा, चंदुदारो, कलबनगा, काली बगान बानवली एंड लोथल आर सम सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन दिव्या उपाध्याय. दिव्य है कि नहीं है. म्यूट योर सेल्फ. दिव्य उपाध्याय. ओके, योर क्वेश्चन इज व्हाट इज सिविलाइजेशन. व्हाट इज सिविलाइजेशन मैम. हम अभी हमने वो हम कहीं गए थे तो हम लर्न नहीं कर पाए. ओके, नो प्रॉब्लम, आप लर्न कर लीजिएगा आज, ठीक है. यस मैम. ओके, नेक्स्ट हावड़ा. हावड़ा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. हावड़ा इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. तो पराग माहेश्वरी. पराग, व्हाट इज सिविलाइजेशन बेटा. सिविलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग लाइफ इन सिटीज और टाउन्स और सरप्लस फूड प्रोडक्शन sophisticated religious beliefs, use of languages in spoken and written form, social disparity and development of art and craft. Civilization can cover a wide area which is characterized by similarity in artifacts and other features. Okay, very good, excellent.
ओके, और कौन बचा है? वैशाली। वैशाली, नेम फ्यू ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। विशाली, कैन यू हियर मी? ओके, विशाली इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। कोई ऐसा जिसे इसका आंसर पता है, कैन रेज योर हैंड। ओके, सफीना, हुसैना से मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ। ताहा। यस ओके, नेम फ्यू ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। Do you know answer for this question? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मेकिंग हस्बेंड्री मेकिंग ब्रॉन्ज, फिगुराइंस। फिगुराइंस, मेकिंग ऑर्नामेंट्स, बीड मेकिंग, क्लॉथ वीविंग, यस, फिगुराइंस मेकिंग ऑर्नामेंट्स, बीड मेकिंग, क्लॉथ वीविंग, पोएट्री मेकिंग एंड ट्रेड वेयर सम ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अमृता। यस मैम। ओके, योर क्वेश्चन इज व्हिच इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सो। वर्तमान याद। द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इज द सिविलाइजेशन। बेटा सिविलाइजेशन। The first civilization of India is the Hindu Indus Valley civilization. Civilization. Wait, wait, wait. Civilization. Civilization. ओके, वेरी गुड। हाँ, इट वॉज कॉल्ड सो बिकॉज इट वॉज कॉल्ड टू बिकॉज इट फ्लोटेड अराउंड द रिवर इंडस। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। ओके, बाकी बच्चों से क्वेश्चन आंसर्स मैं कल करूंगी। जो बच्चे आज बच गए हैं वो बच्चे मुझे कल सुनाएंगे, जो क्वेश्चन आज हम समझेंगे। ठीक है, गॉट इट? म्यूट कर लो अब अपने आप को सभी, अब सिर्फ मैं बोलूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन आर्ट एंड क्राफ्ट, एक्सप्लेन हाउ आर्ट एंड क्राफ्ट वॉज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हमें क्या बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग आर्ट एंड क्राफ्ट करते थे और वो क्यों इंपॉर्टेंट था, राइट? आर्ट एंड क्राफ्ट कैसे इंपॉर्टेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? So, in Indus Valley civilization, people specialized in art and craft. अब Indus Valley civilization के जो लोग थे वो art and craft में specialized थे, ठीक है? वहाँ उस time के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा specialized थे, like sculpting, वो sculpting करते थे, sculptures बनाते थे,
देन पॉलिशिंग बीड्स, बीड्स को पॉलिश करना, ठीक है। जैसे हमने आपने अपनी बुक में देखा होगा कि एक ब्रोंज का स्टैचू देखा है हमने डांसिंग विमेन का, सो उसे पॉलिश करना भी उनका क्या था, आर्ट एंड क्राफ्ट था। फिर मेकिंग सील्स, वो सील बनाते थे। दे ऑल्सो मेट वेसल्स, बर्तन बनाते थे। ऑर्नामेंट्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स किसे बोलते हैं हम, ज्वेलरीज को, तो ज्वेलरीज बनाते थे। टूल्स एंड वेपन्स, टूल्स और वेपन्स बनाते थे, है ना। और एज वेल एज ब्रॉन्ज फिगुराइंस, फिगुराइंस का मतलब क्या होता है, स्टैचू बनाना, फिगुराइंस मतलब स्टैचू, तो ब्रॉन्ज से मिले बने हुए स्टैचूज वो बनाते थे। अब ऑर्नामेंट्स कैसे बनाते थे, ऑर्नामेंट्स लाइक बीड्स, पेंडेंट्स, आर्मलेट्स, आर्मलेट्स देन ब्रॉचेस, जो ब्रॉच हम यूज करते हैं ऐसे ब्रॉचेस वो बनाते थे। देन ब्रेसलेट्स वो बनाते थे, हाथ में पहनने के ब्रेसलेट्स होती है ना, वो लोग बनाते थे। देन बीड मेकिंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट, अब बीड मेकिंग उनका एक इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट था, ठीक है। द मोर द मोस्ट आर्टिस्टिक अचीवमेंट वॉज मेकिंग ऑफ सील ऑन विच इंग्रेविंग लुक रियलिस्टिक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट उनका फीचर क्या था, सबसे इम्पॉर्टेंट आर्ट क्या था, कि वो सील बनाते थे, राइट। सील का मतलब तो आप सब जानते हो, सील जो स्टाम्प बनते हैं ना, सील, वो सील बनाते थे और उस पर जो इंग्रेविंग करते थे, जिस चीज को वो गाड़ते थे, जिस डिजाइन में वो सील बनाते थे, वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगती थी। नेक्स्ट इज क्लोथ वेविंग, कपड़े बुनना, पोटरी मेकिंग एंड मेकिंग टेराकोटा फिगुराइंस वर ऑल्सो प्रैक्टिस। अब टेराकोटा क्या होता है मैम, तो टेराकोटा होता है, टेराकोटा इज ए काइंड ऑफ क्ले, एक तरीके की क्ले है, मिट्टी है, जिससे स्टैचूज बनाए जाते थे। तो टेराकोटा फिगुराइन इज अ काइंड ऑफ स्टैचू विच इज मेड अप ऑफ क्ले, ठीक है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट क्या क्या हो गया, वो लोग बहुत सारी चीजें करते थे, स्कल्पिंग, बीड पॉलिशिंग, पॉलिशिंग बीड्स, मेकिंग सील्स, वेसल्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड वेपन्स, ब्रोंज फिगुराइंस। ऑर्नामेंट्स में क्या क्या बनाते थे, वो बीड्स बनाते थे, पेंडेंट्स, आर्मलेट्स, ब्रॉचेस, ब्रेसलेट्स, राइट। फिर उन्होंने सील बनाई, और सील बहुत अचीवमेंट थी उनकी, बहुत रियलिस्टिक होती थी। देन क्लॉथ वेविंग, पोटरी मेकिंग एंड टेराकोटा फिगुराइंस, ठीक है, समझ में आया। ओके, सो आज कौन पढ़ेगा इस आंसर को, तेजस, तेजस अनम्यूट योरसेल्फ। इस आंसर को रीड करो, दिखाई दे रहा है आपको आंसर, तेजस। ओके, पराग महेश्वरी, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल स्पेशलाइज्ड इन क्राफ्ट वर्क लाइक सप्लीमेंटिंग स्कल्पिंग पॉलिशिंग बीड्स एंड मेकिंग सील्स, दे मेड वेसल्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड वेपन्स एज वेल एज ब्रोंज फिगुराइंस, फिगुराइंस ऑर्नामेंट्स लाइक बीड्स, पेंटाडेंट्स, पेंडेंट्स, आर्मलेट्स, ब्रोचेस एंड ब्रेसलेट्स वर मेड। बीड मेकिंग वॉज एन इम्पोर्टेंट क्राफ्ट, द मोस्ट आर्टिस्ट्स अचीवमेंट वॉज द मेकिंग ऑफ सील्स ऑन विच एंग्रेविंग्स लुक्ड रियलिस्टिक। क्लॉथ वीविंग, पॉटरी मेकिंग एंड मेकिंग टेराकोटा फिंगरिंग्स
figurines were also practiced. Practiced. Okay, very good. अब इसके मैम यस मैम हमारा एक डाउट था. बोलिए मैम. ये टेराकोटा मतलब मिट्टी होती है ना? यस इट्स अ काइंड ऑफ क्ले मिट्टी होती है मैम. जैसे भगवान की मूर्ति बनती है ऐसी होती है? नहीं 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 वैसी नहीं होती है. ये जो आप आजकल जो स्टेचूज देखते हैं भगवान की जो मूर्तियां देखते हैं बेटा वो पत्थर से बनी हुई होती है. ठीक है स्टोन से बनी हुई होती है. लेकिन टेराकोटा फिगुराइंस इज अ काइंड ऑफ क्ले. जैसे हम आज पीओपी की देखते हैं ना प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्टेचूज देखते हैं गणेश जी के जो गणेश चतुर्थी पे आप देखते हैं स्टेचूज है ना. तो वो इनिशियली क्या होता है एक तरीके का पीओपी होता है उससे मिलकर बना होता है. तो उस टाइम पे टेराकोटा एक तरीके की क्ले होती थी एक तरीके की मिट्टी होती थी. ठीक है पाउडर्ड सब्सटेंस होता था उससे वो फिगराइंस बनती थी. ओके मैम ठीक है थैंक यू जी. काजल काजल यस मैम. ओके इस आंसर को एक बार और पढ़ो बेटा. क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन हाउ आर्ट एंड क्राफ्ट वाज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. यस मैम. इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल स्पेशलिस्ट इन क्राफ्ट वर्क लाइक इन क्राफ्ट वर्क लाइक स्कल्पिंग polishing plates and making seals. They made vessels, ornaments, tools and weapons as well as bronze figures, ornaments bronze, like bronze. No, no, no. Bronze figurines. Bronze figurines. Ornaments like braids, pendants. मैम इसे ठीक करते हैं आर्मलेट्स ब्रोचेस एंड ब्रेसलेट्स वेर मेड. ब्रेड मेकिंग वाज एन इम्पोर्टेंट क्राफ्ट द मोस्ट आर्टिस्टिक अचीवमेंट आर्ट. ओह सॉरी Achievement was the making of seals on which engravings looked realist. Cloth weaving, pottery making, and making terracotta figurines were also practiced. ओके गुड. इंग्रेविंग मतलब होता है किसी चीज को गाड़ना. मतलब आप देखते हैं कि जो सील होती है उसमें जो लेटर्स होते हैं थोड़े से उभरे हुए होते हैं थोड़े से बोल्ड दिखाई देते हैं है ना. इंग्रेव करना मतलब उसमें उसे गाड़ना या मार मार के उसके किसी शेप में लाना. ठीक है वेसल्स मतलब होते हैं बर्तन यूटेंसिल्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ मोहनजोदारो हरप्पा लोथाल एंड कालीबंगान. अब हमें क्या बताना है ये तीनों जो है ये तीनों क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट सिटीज है. ये तीनों क्या थी उस टाइम की इंपॉर्टेंट सिटीज थी. जैसे आज इंपॉर्टेंट सिटीज है इंदौर दिल्ली मुंबई है ना. तो उस टाइम पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जैसे सपोज ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है
उसमें चार ऐसी प्लेसेस थी, मतलब ऐसे बहुत सारी सिटीज थी, लेकिन हमें इन चार सिटीज के अलग अलग फीचर्स के बारे में, जैसे फर्स्ट सिटी ये, सेकंड ये और थर्ड ये, तो इन चारों में अलग अलग फीचर्स क्या थे इनके बारे में हमें बताना है। जैसे पहली सिटी है यहाँ पे मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो के बारे में बताना है, हरप्पा के बारे में बताना है, लोथाल के बारे में और कालीबंगान के बारे में, इन सभी के बारे में हमें बताना है। सो पहली है मोहनजोदारो, मोहनजोदारो ना, यहाँ का ग्रेट, यहाँ का फीचर क्या है, यहाँ की विशेषता क्या है? द ग्रेट बाथ इज एन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग एंड कंप्राइज्ड ऑफ टैंक मेड ऑफ ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क। अब मोहनजोदारो में एक बड़ा सा ग्रेट बाथ होता है, मतलब बना था ग्रेट बाथ, मतलब एक ओपन ऐसा एरिया, जैसे आपकी बुक में एक पिक्चर दी हुई है ग्रेट बाथ की, आप आपको अगर देखना हो तो आप उसे देख सकते हैं। बाकी सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? और देर इज सम प्रॉब्लम इन माय वॉइस, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके बेटा, मे बी जिससे मेरी आवाज अटक अटक के आ रही है, मे बी वो नेटवर्क इश्यू के कारण हो, तो आप एक काम कीजिए, आपके फोन का नेट एक बार ऑन करके ऑफ कर, सॉरी ऑफ करके ऑन कर लीजिए, ठीक है? ठीक है बेटा, ओके। अब मोहनजोदारो के बारे में हम बोलते हैं, तो मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग थी, ठीक है, और उसमें एक टैंक भी था, जैसे आज टैंक होते हैं ना, ऐसा एक टैंक था जो ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क से बना हुआ था, ठीक है। आज हम देखते हैं तो टैंक बहुत कॉमन है, लेकिन उस टाइम पे जब कुछ भी नहीं था, तब टैंक का यूज करना वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड फीचर, सबसे अलग फीचर था, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था वो उस टाइम का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हरप्पा। हरप्पा, इन द सिटाडेल एट हरप्पा वी फाइंड एज मैनी एज 6 ग्रेनरीज। अब सिटाडेल मैंने आपको बताया, सिटाडेल एक्चुअली क्या होता है, सिटाडेल ऐसा एरिया होता है जहां पे कोई किंग या क्वीन रहते थे, वो एरिया था, प्रोबेबली किंग या क्वीन के लिए जो एरिया बना हुआ था उसे सिटाडेल कहते थे। तो उसमें कितनी ग्रेनरीज मिली है? 6 ग्रेनरीज। अब मैम ग्रेनरी क्या होता है? तो ग्रेनरी होता है जहां पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, जैसे हम आज स्टोर रूम देखते हैं, सभी घर में स्टोर रूम होता है जहां पे एक्स्ट्रा सामान रखा जाता है ना, रखा जाता है ना, तो सिमिलरली वहां पे ग्रेनरीज होती थी, ठीक है। उन ग्रेनरीज को, तो ऐसी कितनी ग्रेनरीज मिली है? 6 ग्रेनरीज मिली है, ठीक है। नेक्स्ट इज लोथाल। अ ब्रिक डॉकयार्ड वॉज डिस्कवर्ड एट लोथाल। अब ब्रिक से बना हुआ डॉकयार्ड, डॉकयार्ड क्या होता है? जहां पे शिप पार्क होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, वो एक समुद्र के किनारे पे बहुत सारे शिप्स खड़े हुए होते हैं, जिसमें सामान को लोड किया जाता है और उतारा जाता है ना। तो ये डॉकयार्ड किस लिए यूज होता है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज होता था। सो अ ब्रिक डॉकयार्ड वॉज डिस्कवर्ड एट लोथाल। नेक्स्ट इज कालीबंगान। इन कालीबंगान मैनी हाउसेस हैड देयर ओन वेल्स। अब कालीबंगान में बहुत सारे ऐसे घर थे जिनका खुद का अपना क्या था, एक वेल था, या लाइक पोर्ट। यहाँ पे डॉकयार्ड का मतलब पोर्ट है, ठीक है, ओके। कालीबंगान में सारे, जैसे बहुत सारे घर थे, तो बहुत सारे घरों में खुद का अपना एक वेल था, कुआ था, ठीक है। सो ये वहां का डिस्टिंग्विश फीचर था, ओके। नेक्स्ट हम रीड बाद में करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग मच टाइम। ओके ओके, नाउ व्हाट राइट
शॉर्ट नॉट ऑन रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ हरप्पा पीपल। अब हरप्पा के जो लोग थे उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस क्या थी, वो कैसे उनके रिलीजन को फॉलो करते थे, कौन सा रिलीजन वो मानते थे, है ना, किस धर्म को मानते थे। सो न्यूमरस फीमेल टेराकोटा फिगराइंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम वेरियस साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सारी फीमेल फिगराइंस मिली है, फीमेल टेराकोटा फिगराइंस मिली है, राइट, ऐसी मूर्तियां मिली है जो फीमेल की है। दिस आर बिलीव टू रिप्रेजेंट द मदर गॉडेसेस, और ये माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि इसका मतलब क्या है, वो मदर गॉडेसेस है, ठीक है। पीपल वर्शिप्ड द अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेसेस। अब लोग किसकी वर्शिप करते थे, अर्थ की वर्शिप करते थे, एज अ फर्टिलिटी गॉड, फर्टिलिटी गॉडेसेस की वो वर्शिप करते थे, और ये मानते थे कि वो जो लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, वो उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, क्रॉप्स, सीरियल्स, ये प्रोवाइड करता है, इसीलिए वो उस अर्थ की वर्शिप करते थे। द पीपल ट्री वॉज कंसिडर्ड सैक्रेड। अब पीपल ट्री, पीपल का पेड़ तो आप लोगों ने देखा है, तो पीपल ट्री को वो क्या सैक्रेड मानते थे, सैक्रेड मतलब रिलीजियस, पवित्र, ठीक है। सो दे कंसिडर पीपल ट्री वॉज कंसिडर्ड सैक्रेड द मोस्ट स्ट्राइकिंग डेयटी। अब यहां पर डेयटी का मतलब क्या है, मूर्ति, ब्रिक से बना हुआ, ब्रिक वर्क का मतलब क्या होता है, ब्रिक्स से बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट स्ट्राइकिंग डेयटी ऑफ हरप्पा कल्चर इज हॉर्न्ड गॉड ऑन द सी। अब सबसे स्ट्राइकिंग डेयटी, डेयटी मतलब जो मेल भगवान होते हैं, है ना, जो मेल होते हैं, एक मेल और फीमेल होता है, मेल गॉड जिनके ऊपर एक हॉर्न बना हुआ है, सिंग बना हुआ है, ऐसा एक गॉड का जो सील है वो हरप्पा में मिला है। दिस गॉड हैज थ्री हेड्स एंड हॉर्न्स। और कैसा दिखता है वो, उन गॉड के थ्री हेड है, तीन हेड्स है और हॉर्न्स है। He is shown as sitting in yogic posture. और वो कैसे बैठे हुए, जो योगिक पोस्चर में, जो मेडिटेशन की पोस्चर होती है, योगा का जो पोस्चर होता है, उसमें वो दिखाई दिए हैं, ऐसा स्टेचू बना हुआ है। प्लेसिंग वन फुट ऑन द अदर, और एक के ऊपर एक पैर रखे वो बैठे हुए हैं, जैसे हम जनरली बैठते हैं, है ना, ऐसे बैठे हुए हैं। He is surrounded by an elephant, और उनके आसपास कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि एलिफेंट, और टाइगर, और राइनासोरस, और बफेलो एंड टू डियर्स, टू डियर, ठीक है, कुछ इतने एनिमल्स यहाँ पर दिखाई दिए हैं। दिस लुक लाइक द इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा, और ऐसा लगता है कि वो किसकी इमेज है, शिवा की, लॉर्ड शिवा की, लॉर्ड शिव की, राइट। देर इज ऑल्सो एविडेंस ऑफ लिंगा वर्शिप। हम शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, जनरली हिंदूज में शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो कुछ इस तरीके के एविडेंसेस भी मिले हैं कि वो लिंग की वर्शिप करते हैं, ठीक है। सो ये आंसर आपको समझ में आया, ओके। नेक्स्ट, मेंशन ब्रीफली द सजेस्टेड कॉजेस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन क्यों हुई, आप कुछ सजेशंस बताइए, कुछ, जैसे हमें परफेक्ट रीजन नहीं पता है, लेकिन कुछ सजेशंस हम दे सकते हैं कि शायद इस कारण से वो डिक्लाइन हुई होगी, इस कारण से वो खत्म हुई होगी, राइट। तो पहला रीजन है, प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन बिकेम लेस एफिशिएंट देन अर्लियर टाइम। अब उनकी जो प्लानिंग थी और उनकी कंस्ट्रक्शन की जो मेथड थी वो इफिशियंट नहीं रही, लेस एफिशियंट हो गई, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस नहीं रही जैसे कि पहले होती थी। तो धीरे धीरे जो उसकी डिमांड है वो कम हो गई। देन रूम्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पोर्शंस। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो रूम कैसे हो गए, छोटे हो गए। स्ट्रीट प्लान्स वर नो लॉन्गर फॉलोड। फिर जो स्ट्रीट थी, स्ट्रीट्स को भी फॉलो नहीं किया जाने लगा,
सड़कों जो सड़क बनी हुई थी उसका भी जो प्लान था उसे फॉलो नहीं किया जाता था. देन एक्सपांशन ऑफ नेबरिंग डेजर्ट इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ सॉइल. अब उनके जो एरिया जिस एरिया में वो रहते थे उसके पास के एरिया में डेजर्ट इंक्रीज होने लगा, मतलब डेजर्ट का एरिया बढ़ने लगा जिसके कारण जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं रहा. एंड डिक्रीज द फर्टिलिटी रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. और उसके कारण वो क्रॉप्स को कल्टिवेट नहीं कर पा रहे थे इसलिए भी लोग क्या करने लगे, माइग्रेट करने लगे, दूसरी जगह चले गए. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई. देन फ्लड आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज कॉज फॉर डिक्लाइन. अब किसी सीजन में फ्लड आ जाती थी, बाढ़ आ जाती थी, जनरली रेनी सीजन में. तो इसके कारण भी जो सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन हुई. एक्सकेवेशन रिलीव दैट मोहनजोदारो इटसेल्फ फ्लडेड मोर देन वंस. और मोहनजोदारो में ऐसे एविडेंस मिले कि उसमें कि वो फ्लड में डूब चुका था एक से ज्यादा बार. इट अदर प्लेसेस इट इज सजेस्टेड दैट रिवर चेंज देयर कोर्स और ड्राइड अप. अब कुछ सजेशंस ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो रिवर्स थी जो उस पर्टिकुलर एरिया में फ्लो करती थी वो क्या करी, या तो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, डायरेक्शन चेंज हो गया, या फिर वो सूख गई. तो जिसके कारण लोगों ने क्या किया, माइग्रेट कर लिया, एक प्लेस से दूसरी प्लेस वो चले गए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स अबाउट द क्लास डिफरेंसेस ऑफ पीपल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब क्या क्लास डिफरेंसेस थे, लोग कैसे क्लासेस, जैसे आज हम बोलते हैं मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, अपर क्लास, तो उस टाइम पे जो सोशल स्टेटस था वो कैसा था, कैसे डिफरेंसेस थे. द एक्सकेवेशन ऑफ वेरियस साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन गिव्स अस इंडिकेशन ऑफ सोशल लाइफ ऑफ द पीपल. जैसे ही वहां पे एक्सकेवेशन किया गया इंडस वैली में, वहां की जो सिविलाइजेशन थी वहां पे जब ज्यादा रिसर्च की गई तो सोशल डिफरेंसेस के बारे में हमें पता चला. स्ट्रक्चरल रिमेन ऑफ द हाउस इंडिकेट्स द क्लास डिफरेंस वेयर प्रेजेंट इन हरप्पन सोसाइटी. अब जो उनके हाउसेस का स्ट्रक्चर था उससे हमें क्लास डिफरेंस का पता चलता है. बिग हाउसेस वुड हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय रिच. जो बड़े बड़े घर थे वो कौन ऑक्यूपाई करता था, उनमें कौन रहते थे, रिच लोग रहते थे. While smaller houses and two-room cottages would have been used for poorer section. और जो छोटे छोटे घर थे वो poor लोग use करते थे. For knowledge about dress and fashion, we depend on the status and figurine excavated. और उनकी जो dresses है उसके बारे में हमें उन statues और figurines से पता चलता है. Okay, very much less time is left. यही आपका होमवर्क है. आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 आपको लर्न करना है और एक बार अपनी कॉपी में लिखना है. ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे. टेक केयर.